उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभिनेता अनुपम श्याम आजकल आईसीयू में है और आर्थिक तंगी के चलते उनका परिवार उनका इलाज नहीं करा पा रहा है। ऐसे में उनके परिवार ने फिल्म इंडस्ट्री से मदद मांगी है और उसमें सोनू सूद और मनोज पाई जैसे लोगों ने उनकी मदद भी की है। अनुपम श्याम टीवी और फिल्मों के जाने पहचाने कलाकार है। उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा के सज्जन सिंह के रूप में। इसके अलावा उन्होंने बैंडिट क्वीन, लज्जा जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। कई दिनों से अनुपम श्याम किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। फिलहाल वो ऐसे में उनकी हालत नाजुक है। उनके भाई अनुराग श्याम के अनुसार अनुपम को किडनी की प्रॉब्लम थी और पैसों की तंगी के कारण वो अपना इलाज भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कई दिनों से काम नहीं था। जैसे तैसे करके करीब 10-15 दिन पहले उनका डायलिसिस शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन पहले अनुपम को लैप्स हो गए और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया। अनुराग श्याम और उनके परिवार ने फाइनेंशियल हेल्प के लिए सिंटा जैसी संस्थाओं और अभिनेताओं का दरवाजा खटखटाया है और सोनू सूद ने उन्हें मदद करने का आश्वासन भी दिया है। लॉकडाउन की वजह से कई सितारों को पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कोई खुदकुशी कर रहा था तो किसके पास खुद के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। ऐसे में देखना होगा कि अनुपम शाह के इलाज के लिए कितने लोग सामने आते हैं और गरीबों के इस मसीहा के रूप में मशहूर सोनू सूद क्या इस बार अनुपम शाह की मदद करेंगे। अनुपम शाह लखनऊ के भारतेंदु एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं। वो अन्ना हजारे के मूवमेंट का भी हिस्सा रहे हैं और ढेर सारी फिल्में और सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। उम्मीद है तो जल्दी से ठीक हो और एक बार फिर से सबका मनोरंजन करेंगे।